सुपर्णा एक MNC कंपनी में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी करती थी। सुपर्णा पर हमेशा से ऑफिस के काम और घर की जिम्मेदारियां हमेशा ही बनी रहती थी, क्योंकि ऑफिस होने के साथ साथ सुपर्णा बहू भी थी। ऐसे ही एक शाम जब सुपर्णा ऑफिस से घर जाती है तो देखती है कि घर पर मेहमानों का मेला लगा है। तभी उसकी सास सविता बोलती है, आ गई मेरी कमाऊ बहू। अरे बहू, सब तेरी राह देख रहे थे, बोल रहे थे नाश्ता करेंगे तो बस अपनी सुपर्णा बहू के हाथ का, नहीं तो कुछ नहीं खाएंगे। जी जी, मैं अभी सबके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ, आप थोड़ा इंतजार करो। बेचारी सुपर्णा को कोई एक घूंट पानी भी नहीं देता और वो अपना बैग साइड रखकर चुपचाप रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगती है और खुद से कहती है, हे भगवान, कभी तो मुझे आराम का सुख दे दें। ऑफिस में इतना थक जाती हूँ, यहाँ आकर भी राहत नहीं है, किसी ने हाल भी नहीं पूछा, कैसी हूँ, क्या है, बस फरमाइश की लिस्ट देखकर मुझे ये रसोई में भेज दिया। अब क्या करूँ, कमाने वाली बहू जो ठहरी, करना तो पड़ेगा ही सब मुझे, चाहे हंसकर करूँ या रोकर। इतना बोलकर सुपर्णा सभी के लिए नाश्ता बनाती है और कुछ देर बाद सारा डिनर भी रेडी कर देती है। सभी मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं और वो इतना ज्यादा थक गई कि बिना खाए ही सो जाती है। ऐसी ही अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर, अरे बहू, तेरी तनख्वाह कब आएगी बेटा? तेरी ननंद आरती के यहाँ थोड़ा सामान भिजवाना था बेटा, 4,000 रुपए चाहिए थे। माँ जी, 10 तारीख तक ही मिलेगी मुझे सैलरी। तभी सुपर्णा का पति उमंग बोलता है, अरे माँ, आपको दीदी के लिए पैसे चाहिए तो मुझसे लीजिए, मेरे पास है पैसे। अरे बेटा, ना ना, तू रख, बहू है ना, वो दे देगी। बेटा, तू रोज जाता है मोटरसाइकिल से, पेट्रोल का खर्चा है, तू रख बेटा, और जो बचत की है उसे मुझे दे दे, बैंक में रख दूंगी, आरती को सामान बहू के पैसे से दे दूंगी। माँ जी, अगर उमंग कह रहे हैं तो ले लीजिए ना, वैसे भी इसमें कुछ गलत तो नहीं है। बहू, तू अपनी कमाई नहीं देना चाहती तो साफ साफ कह दे। समझ गई, ये सही गलत का पाठ मत पढ़ा मुझे। सॉरी माँ जी, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, मैं तो बस। हमने तुझे काम करने की छूट दी है तो तेरे कमाए पैसे को कहाँ, कैसे, कब इस्तेमाल करना है, ये हमें तुझसे जानने और पूछने की जरूरत नहीं है। सविता की बात सुन सुपर्णा कुछ नहीं कहती, पर उसे अपनी सास का ये भेदभाव वाला बर्ताव जरा भी अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिन बाद जैसे ही सुपर्णा को तनख्वाह मिलती है, सविता सारे पैसे उससे लेकर अलग अलग जगह खर्च करने और बाकी बचत के तौर पर रख देती है। ऐसे ही संडे का दिन होता है, ऑफिस की छुट्टी होने की वजह से सुपर्णा जरा देर से उठती है और जैसे ही वो नाश्ता करने बैठती है तभी सविता बोलती है, आ गई महारानी, हो गई आपकी नींद पूरी। अरे, आपके जो दहेज में आए नौकर है ना, उन्होंने सारा काम कर दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस खाओ पियो मौज लो। वो माँ जी, आज संडे था ना, तो बस आँख नहीं खुली जल्दी जल्दी, सॉरी माँ जी। अरे बस बस, मुझे सब पता है, घर का काम तो बोझ लगता होगा, बाहर की दुनिया घूमने की आदत जो लग गई है, सबके काम करना, कपड़े बर्तन धोना, ये तो बुढ़िया है ही, कर लेगी, किसी को मेरी थोड़ी फिक्र है। माँ जी, हर रोज तो मैं ही सब करती हूँ, आज ही जरा सा लेट क्या हो गई, लो आप तो इतना सुना रही हो। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी बहू को देखो कैसे मोटे मोटे जवाब दे रही है, काम करने के लिए सुना रही है। माँ जी देखिए, आप जरा सी बात का पहाड़ बना रही हैं। अरे मैं भी इंसान हूँ, मैंने थोड़ा आराम कर लिया तो क्या हो गया। अरे अभी दिन खत्म तो नहीं हुआ है ना, जैसे हर दिन करती हूँ आज भी कर लेती, आपको नहीं करना था तो आप मत कर दी, कम से कम मुझे बिना बात के सुनाइए तो मत, और ये नाश्ता आप खुद कर लीजिए। इतना कहकर सुपर्णा अपने लिए दोबारा नाश्ता बनाकर खा लेती है। दिन गुजरते जाते हैं, सविता और सुपर्णा के बीच ऑफिस और घर के काम को लेकर झगड़ा बढ़ने लगता है। अक्सर ही दोनों की छोटी छोटी बातों पर बड़ी बहस होने लगती थी। वक्त गुजरता जाता है, जैसे ही तनख्वाह का दिन आता है, सुपर्णा और उमंग दोनों ही अपनी अपनी तनख्वाह लेकर शाम को घर लौटते हैं। सविता भी बड़ी ही बेचैनी से उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। तभी सविता बोलती है, आ गए दोनों, आज तो तुम दोनों की तनख्वाह का दिन था, ले आए ना,
लाओ बेटा अपनी तनख्वाह मुझे दे दो ताकि मैं हिसाब कर सकूं। सविता के कहे अनुसार सुपर्णा और उमंग दोनों अपनी अपनी तनख्वाह अपनी माँ के हाथ में रख देते हैं। सविता फटाफट से मशीन से भी तेज नोट गिनना शुरू कर देती है और गिनने के बाद बोलती है, उमंग बेटा तेरे नोट तो सारे पूरे हैं, पर तू महारानी तेरी तनख्वाह कम क्यों है? बताओ ये बिजली का बिल, पानी का बिल, राशन का बिल, ये सब भरना है, इतने पैसे में कैसे होगा? कहाँ गए तेरे पैसे बोल। माँ जी क्यों, घर के सारे खर्चे और बिल भरने की जिम्मेदारी मेरी ही है क्या? आपका बेटा कमाता नहीं है, नल्ला है वो। अरे क्या बकवास कर रही है तू, चुपचाप पैसे दे, समझ गई? जुबान मत चला। मैं आपको अब कुछ भी नहीं दूंगी माँ जी, जब कमा मैं रही हूँ तो अपनी कमाई की बचत करने का हक भी मुझे पूरा पूरा है, आप मुझसे मेरा हक नहीं ले सकती। अच्छा और अगर हम तुझे करने ही ना दे फिर क्या कर लेगी तू, कौन सी बचत कर लेगी? ये तो सबसे अच्छा है माँ जी कि मैं काम छोड़कर घर पर बैठ जाऊँ, वैसे भी घर का काम करो या ऑफिस का काम, मिलने तो आपके ताने ही है ना, अपने कमाए पैसों में तो कोई पैसा मिलेगा नहीं। सुपर्णा ये कैसे बात कर रही हो तुम माँ से, यही तमीज है क्या तुम्हारी? ओह गुस्सा आ गया मेरे पति को मेरे ऊपर, और अपनी माँ की बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा। अरे मैं सुबह से पहले घर पर उठती हूँ, सारा काम करके जाती हूँ, ऑफिस पहुँचकर ऑफिस का काम भी करती हूँ, रात का सारा काम करती हूँ, तुम जब तक अपनी आधी नींद ले लेते हो ना तब तक मैं काम पर लगी रहती हूँ, क्योंकि मैं आराम नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी माँ को ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कमा रही हूँ। देख बेटा देख, केटा कैसे बोल रही है तेरी कमाने वाली बीवी। हाँ जी मैं कमाती हूँ ताकि मैं घर के खर्चों में आपकी मदद कर सकूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने संस्कार और तमीज भूल गई हूँ। मैं जितनी घर की जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ उतनी बाहर की भी निभाती हूँ, लेकिन आप लोगों को तो इस चीज की कदर है ही नहीं। क्या कभी आपने सोचा है कि मुझे भी बाहर ले जाओ, मैं कभी आराम कर लूं? अरे आप सब लोग इतने मतलब ही हैं कि आपको बस मेरी कमाई नजर आती है, मेरा दर्द, मेरी परेशानी, मेरी मेहनत नहीं। रख लीजिए सारे पैसे, नहीं चाहिए मुझे कुछ, थोड़ी इज्जत दे सके तो जरूर दे दीजिएगा प्लीज। सुपर्णा की बात सुनकर सविता और उमंग का मुंह शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद दोनों सुपर्णा से माफी मांगते हैं। और तभी सविता अपनी बहू की कमाई और बेटे की कमाई में कोई फर्क नहीं करती है और वह घर के कामों में सुपर्णा का हाथ भी बटाने लगती है।